नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, यह आपका हल प्रश्न पत्र है और यह आप लोग दे सकते हैं। और यह आपका घटना चक्र, समसामयिकी घटना चक्र की बुक से लिया गया है। 2023 का घटना चक्र का बुक है, जिसमें उच्चतर सेवा शिक्षा सेवा आयोग मतलब UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्व पेपर है, GIC GDC प्रवक्ता OLT ग्रेड की भी सॉल्व पेपर है, बहुत सारे राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्व पेपर है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, यह सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र है। 7 दिसंबर 2014 को पेपर हुआ था। सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न आते हैं, आपको पता है 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं। तो हमने 15 प्रश्न देख लिया हुआ था, 15 प्रश्न और बाकी है। उसके बाद यह 2014 का जो हल प्रश्न पत्र है UPSC का, वह आपका फाइनल हो जाएगा। तो वाइए, और आप लोग इस पे प्रश्न पत्र को देखकर समझ भी सकते हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या है, किस किस तरह के प्रश्न UPSC में पूछता है। तो प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 आप लोग के सामने है। और जिन लोग की शिकायत थी कि हिंदी में ही सिर्फ यह बुक आती है समसामयिकी घटना चक्र की, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह बुक अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रही है। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 आप देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो नीचे दे सकते हैं विकल्प डी ओजोन क्षेत्र जो है यहाँ पर यूरोप में बताया जा रहा है, जबकि आप लोग पढ़े भी होंगे ओजोन क्षेत्र जो है अंटार्कटिका में नज़र आया था सबसे पहले 1985 के करीब। तो यह आपका सही नहीं है, तो विकल्प डी ओजोन क्षेत्र आपका सही नहीं है। कौन सही नहीं यही बताना था, तो ओजोन क्षेत्र आपका सही नहीं है क्योंकि यूरोप में नहीं है, अंटार्कटिका में है। ओजोन क्षेत्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में है। बाकी सभी आपके शुभलित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2014, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2014 जो है यह आपका स्मॉल आइसलैंड एवं क्लाइमेट चेंज, इसकी थीम थी स्मॉल आइसलैंड एवं क्लाइमेट चेंज, क्योंकि यह करंट से संबंधित था। उसमें 2014 में पेपर हुआ था, 2014 का थीम पूछा हुआ था। हाँ, परमाणु बम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में यूज हुआ था, और श्री सुंदर लाल बहुगुणा जो है वह चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों टॉपिक सही है, लेकिन ओजोन क्षेत्र जो है आपका यूरोप में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यह आपका सुमिलित नहीं है, और यही आपको बताना है कौन सुमिलित नहीं है, तो विकल्प डी। प्रश्न 17 देखिएगा, जैव परिस्थिति सबसे समृद्ध है, जैव परिस्थिति सबसे समृद्ध है बताएं, मतलब कहाँ जैव परिस्थिति सबसे ज़्यादा समृद्ध है। तो आप जानते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ बहुत तरह के क्या बोलते हैं पेड़ पौधे जंतु आदि ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जैव परिस्थिति है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, प्रश्न 18 देखिएगा मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 या 2014 के दशकों को घोषित किया है, बताएं 2005 और 2014 के दशक को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, क्या घोषित किया है। तो ABCD सब है, लेकिन मैं बताता हूं ये आपका ए और बी में ही यह आपका सही है। तो कुल मिलाकर ए जो विकल्प है वो आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को क्या, कौन सा दशक घोषित किया है, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने इसे कहा है यह सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया है। प्रश्न 19 देखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वह कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, बताएं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। कुल्लू और मनाली आप जानते हैं पर्यटन स्थल है। हाँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, यह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित इस उद्यान को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था।
तो यह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, तो यह दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और यह किस जिले में? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। प्रश्न 20 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित किया जाए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देखिए गौरा देवी जो है, गौरा देवी जो जुड़ी हुई थी, कार्यकर्ता थी, यह आपकी गौरा देवी जो जुड़ी हुई थी चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा तो जुड़े हुए थे, साथ ही साथ गौरा देवी भी जुड़ी हुई थी चिपको आंदोलन से। परिस्थिति जो है, परिस्थिति की परिभाषा किसने दिया था? एजी टॉन्सले ने दिया था परिस्थिति की परिभाषा। और फिर ग्लेशियोलॉजी जो जुड़ा जो ग्लेशियोलॉजी जो वर्ड है वो ग्लेशियर से मिलता जुलता है। आप जानते हैं ग्लेशियोलॉजी मतलब कि ग्लेशियर का अध्ययन करना, वह है ग्लेशियोलॉजी। ओके, तो यह ग्लेशियर से है। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है हर साल, वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो यही आप सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो आप जानते हैं 1911 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। अंग्रेजों द्वारा सन 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, और जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम उस समय भारत में आए हुए थे। जॉर्ज पंचम के सम्मान में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ होता है, जिसमें राजधानी कलकत्ता को स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है। और 1912 में, देखिए 1911 में घोषणा होती है, हाँ 1912 में इसे राजधानी पूरी तरह से बना दिया जाता है, लेकिन इसमें 1912 अवसर में नहीं है, इसलिए 1911 भी सही मान लिया जाएगा। तो 1911 में घोषणा होती है और 1912 में पूरी तरह से दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। प्रश्न 12 देखिएगा, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो यह तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 1206 से 1526 का काल जो था वह सल्तनत काल था, और 1526 से लेकर 1857 का जो काल था वह आपका मुगल काल था। बल्कि 1857 तक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तब भी कागजी रूप में मान सकते हैं, क्योंकि मुगल साम्राज्य का थोड़ा बहुत सम्मान बचा हुआ था। तो इस तरह से, तो लेकिन यहाँ पर सल्तनत काल जो है 1206 से 1526, विकल्प बी जो है आपका सही है। 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार इस प्रकार है, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, और तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश जो है 1451 से 1526, इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? कर्क रेखा आप जानते हैं कि वह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, और वह हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किस कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा समीप कौन सा शहर है ये आपको बताना है। तो कोलकाता जो है वह कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा समीप है, विकल्प सी। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी। माही नदी अगर यही मकर रेखा के बारे में आ जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो अफ्रीका में जायरे में, अफ्रीका के जायरे में एक नदी है कांगो नदी, वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन कर्क रेखा को 2 बार कौन काट रही है? तो माही नदी। तो इस नदी का नाम भी अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। प्रदत्त विकल्पों में कोलकाता कर्क रेखा के एकदम समीप है। तो कर्क रेखा का सबसे समीप कौन सा है? कोलकाता। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए भागीरथी पर कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। देखिए टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रश्न ये देखिए, अब देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो दीन ए इलाही, दीन ए इलाही किसे जुड़ा हुआ? दीन ए इलाही धर्म चलाया था, अकबर ने चलाया था, दास वंश
गुलाम चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में। औषध के साथ के जनक कौन है? तो चरक हैं। चरक जो हैं औषधि से संबंधित हैं, औषधि से संबंधित हैं, क्योंकि चरक ने चरक संहिता लिखी थी। चरक ने क्या बोलते हैं सर्जरी का काम भी किया था, मतलब कि एक बहुत ही पुराने बड़े चिकित्सक के रूप में हैं चरक। विकल्प तीन जो है वापस से, मतलब कि इस तरह से इससे आपको सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर सम्मिलित दिया हुआ है। प्रश्न 26 देखिएगा, प्रश्न 26, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? तो किस संविधान के तहत ये आपको बताना है, किस संविधान संशोधन के तहत, ये सब ऑप्शन है बताएं। तो विकल्प ए, अरे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए थे। और यही देखिए 42वां संविधान संशोधन जो था उसमें संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी, देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। तो यही 42वें संविधान संशोधन के तहत विकल्प ए जो है वो आपका सही है। विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन के साथ, किस 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए संविधान में उल्लिखित संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न 27 देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैच भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में आपके, भारतीय संविधान में क्या है ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में आपके 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के अनुसार कुछ नए अनुसंधान जुड़े गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। क्रम संख्या के अनुसार भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां भी हैं। प्रश्न 28 बताएं, रेनबो क्रांति संबंधित है, रेनबो क्रांति जो है संबंधित है तो ये से, मतलब कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, रेनबो क्रांति कहिए या फिर इंद्रधनुष क्रांति कहिए, या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है रेनबो क्रांति। तो देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति के सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंधित है। प्रश्न 29 देखिएगा, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है, गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है विकल्प सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। देखिए वर्ष 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम वर्ष 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने संविधान में वर्णित काम के आधार को महत्व देते हुए यह योजना लागू की थी। वर्तमान में यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है, जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो यह कहाँ प्रारंभ की गई थी? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 1972 में प्रारंभ की गई थी गारंटी रोजगार परियोजना, 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने लागू की थी, महाराष्ट्र सरकार ने संविधान में वर्णित काम के आधार को महत्व देते हुए यह योजना लागू की थी। वर्तमान में योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। तो यह योजना यहाँ से विकसित हुई थी और धीरे धीरे यहाँ तक आई है, तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था? तो विकल्प डी 1 अप्रैल 2010, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 को। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए प्रबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह आपका 2014 का हल प्रश्न पत्र था जो अब समाप्त हो गया, और इसी तरह से बाकी धीरे धीरे जो भी इस बुक में जो भी हल प्रश्न पत्र हैं वो सब आपको दिए जाएंगे पार्ट वाइज। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा समसामयिकी घटना चक्र
समसामयिकी घटना चक्र, समसामयिकी घटना चक्र जीएस बुक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। तो इसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह जो बुक है इसमें बहुत सारी, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं होगा, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होगा, जीडीसी के लिए भी होगा, जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए भी होगा, जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी होगा और अदर राज्यों के लिए भी कुछ होगा। तो कुल मिलाकर यह जीएस है और जीआईसी जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी हो या जीडीसी हो, सबके लिए है। इसीलिए मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से प्लेलिस्ट नहीं बनाया हूँ, समसामयिकी घटनाचक्र जीएस बुक, और उसमें मैं उसके बाद जीडीसी जीआईसी यूपीएचएससी उसमें बहुत सारा कुछ होगा। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।